अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम वेलकम टू बॉन्डी फूड। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जो कि अब बकरीद आने वाली है और माशाल्लाह सब घरों में गोश्त होता है, लेकिन मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ चिकन निहारी। तो ईद स्पेशल भी है ये और मज़े से जल्दी से बन जाती है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए तो चिकन निहारी बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो मैं आज शान के मसाले से बनाऊंगी चिकन निहारी। तो अभी सबसे पहले हमने अपना पैन रख दिया है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और ये हमें तकरीबन 1 1/2 कप के आसपास ऑलमोस्ट, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। और ये मेरा, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, हेल्दी वर्जन वेजिटेबल ऑयल, जो भी ऑयल आप लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं वो। अच्छा, अगर आप लोग काइंडली मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आप लोगों की मोटिवेशन से और दिल करता है वीडियोस बनाने का। तो ये देखें, ये सबसे पहले हमने अनियन ली है, ये जो हमारी दो मीडियम साइज की अनियन है ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अनियन को थोड़ा सा अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसी रेसिपी है जो कि जल्दी से झटपट से बन जाती है और सबको पसंद भी होती है। मेरा बेटा भी छोटा सा है लेकिन वो बहुत लाइक करता है निहारी को, तो उसको हर चीज़ को, सालन को समझता है कि निहारी है। चले हम इसको जल्दी से गोल्डन ब्राउन करते हैं। अच्छा, ये देखें हमारी अनियन जो है ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इतनी ही हमें चाहिए। ये हमारी चिकन है, तकरीबन ये 1 किलो के आसपास होगी। खाली हम लेग वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे चिकन को, ताकि इसका जितना पानी है वो सब ड्राई हो जाए अच्छे से। और साथ ही में हम घर के गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ये 1 1 टीस्पून है, ये हम ज़रूर डाल देंगे, क्योंकि गार्लिक का पेस्ट बहुत, जिंजर का पेस्ट, अदरक लहसुन बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। और इसको हम इसको डाल के भूनेंगे। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ शान निहारी मसाला। तो मैं हमेशा रिकमेंड यही ही करती हूँ कि जब भी आप मसाला लेना तो उसको डायरेक्टली ओपन करके और इसमें ना डाल दें, तो उससे ये होता है कि अगर कुछ चीज़ हो तो आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए आप हमेशा एक बाउल में निकालें, उसको देखें, जैसे मैंने निकाला है और उसको देख लिया कि इसमें कुछ वैसे तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मसाला हमेशा कंटेनर में निकाल कर ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अभी फुल मसाला यूज़ नहीं करा है, मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं, क्योंकि चिकन बहुत, अगर मैं पूरा डाल देती बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते, तो मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि मैं इतना टू मच स्पाइस भी नहीं वो करती हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद हो तो आप लोग पूरा डाल सकते हैं। तो हम ये इस तरह खड़ा के डाल देंगे मसाला। ये और क्विकली ईजी रेसिपी है। अगर आप लोगों को घर के मसालों की भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं घर के मसाले वाली ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि बिल्कुल हमारे घर में गैस बैठे हुए और हमें क्विकली खाना बनाना है, ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें टमाटर दही वगैरह भी नहीं पड़ते और क्विक से बस आपने चढ़ाया तो लहसुन डाला और अनियन डाली और फटाफट से मसाला चिकन को भूना और जल्दी से बन गया। ये देखें, और इसकी बड़ी ज़बरदस्ती खुशबुएं भी आने लगी हैं और ये अच्छी तरह गार्लिक के पेस्ट के बाद अब इसमें भून चुका है और ये अच्छे से मसाला भी चिकन में पूरा अच्छे से मैश हो गया है। देखें इसको कैसे ज़बरदस्त सा लग गया है। साइज बूटियों का जैसे मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, आप लोग भी अगर बड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये छोटा छोटा फिर मज़ा नहीं रहता और बोटियाँ टूट भी जाती हैं, क्योंकि चिकन को हम बहुत ज़्यादा स्पून से चला नहीं सकते हैं, तो इसलिए। अच्छा, ये देखें, ये मैंने
अपना वाटर ले लिया है 4 कप के करीब तकरीबन। स्पून में भी जो मसाला लगा हुआ था वो हमने इसमें निकाल दिया। और ये हम निहारी में पानी ज़्यादा ही जाता है, मैंने 4 कप का हिसाब से डाला है ताकि हमें इसका अच्छे से मसाला बनाना होगा। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, डिपेंड ऑन योर चिकन कि कितनी जल्दी आप लोगों के यहाँ चिकन हो जाती है। यहाँ की चिकन बहुत जल्दी हो जाती है तो मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 15-20 मिनट कुक करूँगी। और इसकी लीड लगा देते हैं और मिलते हैं 15-20 मिनट में निहारी के कुक होने पर। चलें अब हम देखते हैं, हमारी 18 मिनट्स गुजर चुके हैं, निहारी की क्या पोजीशन है। तो लग तो ये रहा है, एक सेकेंड, कि ये हो चुकी है ठीक। ये देखें बहुत अच्छा सा इसका सालन की खुशबुएं भी आ रही हैं और ये देखें सारी बोटियां भी गल चुकी हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि मैंने ये वाटर लिया है और इसके अंदर हमें आटा डालना होगा। ये आटा मेरा तकरीबन 1 कप के आसपास है तो ये सारा हम आटे को उसमें डाल देंगे। आटे को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा क्योंकि जितना अच्छा तरीके से आप आटा मिक्स करेंगे ताकि जब हम निहारी में डालें तो उसकी जो है ना वो बॉल्स ना बने, समझ रहे हैं। जितना थोड़ा सा पानी होगा लिक्विड फॉर्म में, ताकि मैदा भी ले सकते हैं लेकिन मैं समझती हूँ कि आटा ज़्यादा बेहतर रहता है। ये मेरा देखें ये रोटी बनाने वाला आटा होता है, इसमें देखो इसके अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब हम देखें 2 मिनट लग गए और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम स्पून लेंगे और लाइट लाइट से जो है ना वो अपने, क्योंकि सालन ने देखें अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है इसका, बिल्कुल अच्छे से वो आ गया है। अब हम लाइट लाइट सा एक हाथ से जो हमने आटा बनाया है ये डालते रहेंगे। मैं आपको दिखा दूं फिर मुझे ना कैमरे को रखना होगा। और एक हाथ से हम स्पून चलाते रहेंगे क्योंकि मेरे एक हाथ में भी कैमरा है। तो मैं अभी रोकती हूँ फिर मैं पूरा आटा डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें अब हमारे निहारी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसको हमें इतना कुक करना है कि ये गाढ़ी हो जाए। अभी ये देखें थोड़ी सी पतली हो रही है ना, तब ये गाढ़ी गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। जब ये गाढ़ी गाढ़ी फॉर्म में आ जाएगी तो इसका एकदम ज़बरदस्त सा जो है वो कलर, क्योंकि आटे को भी जो हमने डाला है उसको भी कुक होना है तो हमें इसको 5-10 मिनट ऐसे ही कुक करना होगा ताकि ये पूरी प्रॉपर निहारी हमारी रेडी हो जाए। ये देखें ये हमने थोड़ा भंगार भी लगा दिया है इस पर ऑयल के अंदर, ज़रा सी कश्मीरी मिर्च डाल करना ताकि इसका कलर अच्छा आए। ऑयल के अंदर ये देखें ताकि इसका एक कलर और अच्छा सा आ जाए निहारी का। तो ये देखें ज़बरदस्त सी चिकन निहारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश में अपनी प्लेट पे निकाल के अब ये आप गरम गरम नान के साथ खाएं, मज़े से खूब इंजॉय कर कर, इतनी मजे की लगती है ये। और देखें वाओ सो गुड, जबरदस्ती हमारी। अब इसके अंदर हम गार्लिक का डालते हैं, सॉरी जिंजर डालते हैं, जो हमने बारीक बारीक ये जिंजर कट करी थी मुझसे, गार्लिक हमेशा वो रहता है, थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे।
ये हरी मिर्चें आ गई कटी हुई। आई होप आप लोगों को मेरी ज़बरदस्त चिकन निहारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलें मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।